तेज आंचलिक पापा विज्ञान केन्द्र निर्देशक एचआर विश्वास वर्तमान एक पापाग संपर्कित प्रेसमिट कर नजर पक अभी वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल हमारा आंध्र प्रदेश कोस्ट का पास में है। आंध्र प्रदेश कोस्ट का अलोंग अभी 140 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ काकीनाड़ा है, गोपालपुर से 520 किलोमीटर साउथ ईस्ट में दूर में है। इसका मूवमेंट अभी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड लास्ट सिक्स आवर में हो रहा है, तो फर्दर इसका मूवमेंट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड ही रहेगा। तो नरसपुर यानाम काकीनाड़ा ट्यूनी विशाखा भाईजैक ये जो कोस्टल एरिया है आंध्र प्रदेश का इस एक अलोंग द कोस्ट मूव करके फिर इमर्ज करेगा हमारा वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में ऑफ नॉर्थ नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट में बाय टुडे नाइट। ठीक है, और इसका फर्दर 12th मॉर्निंग तक कल तक हमारा मॉर्निंग तक डिप्रेशन में वीक होने का चांसेस है। तो इसका प्रभाव हमारा उड़ीसा में अभी यार ज़्यादा नहीं है, ओनली रेनफॉल एक्टिविटी जो हो रहा है वही होने का चांसेस है, और ऑफ उड़ीसा कोस्ट में जो स्क्वाली वेदर है वो रहने का चांसेस है कल तक। तो इस लास्ट 24 आवर्स में हमारा जो रेनफॉल एक्टिविटी हुआ है वो हल्का से मध्यम बारिश मेनी प्लेसेस में ही हुआ है, एक दो जगह में हैवी रेनफॉल हुआ है। खुर्दा में 71.0 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ, घासीपुरा 72.2 मिलीमीटर, आनंदपुर 64.4 मिलीमीटर, महेंद्रगढ़ 54.2 मिलीमीटर, दीघा पहांदी 48.0 मिलीमीटर, हमारा भुवनेश्वर सिटी में मॉडरेट रेन था 36.4 मिलीमीटर। तो इस तरह से मेनी प्लेसेस में ही हमारा रेनफॉल हुआ है। साउथ कोस्टल दिशा में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, बाकी जगह में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश हुआ और हैवी रेनफॉल एक दो जगह में हुआ। और अभी फोरकास्ट जो है हमारा इसका प्रभाव में अगला 24 आवर्स में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा और एक दो जगह में हैवी रेनफॉल हो सकता है, मेनली मलकानगिरी कोरापुट रायकरा नवरंगपुर गजपति गंजाम केउनझर मयूरभंज बालासोर ये सब डिस्ट्रिक्ट का अंदर में हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में मीन्स एक दो जगह करके ही रहेगा, बट मेनी प्लेसेस में हमारा हल्का से मध्यम बारिश रहने का चांसेस है। फिर 24 मीन्स कल का बाद आज का बाद मीन्स कल कल हमारा ओनली मेनी प्लेसेस में साउथ उड़ीसा में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा, नॉर्थ उड़ीसा में कुछ कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम बारिश रहेगा, कल और हैवी रेनफॉल का वार्निंग नहीं है। और फिशरमैन को कल तक समुद्र जाने के लिए मना है क्योंकि ऑफ उड़ीसा कोस्ट में हमारा स्क्वाली वेदर है, सी कंडीशन मेनली आपका साइक्लोन आंध्र प्रदेश कोस्ट और हमारा वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे होने से हमारा सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ होता है, तो सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ है और स्क्वाली वेदर भी है, तो फिशरमैन को कल तक समुद्र जाने के लिए मना किया है। और पोर्ट वार्निंग हमारा गोपालपुर पोर्ट पे LC3 और बाकी पोर्ट में DW डिस्टेंट वार्निंग ही जारी है सिग्नल नंबर 2। ठीक है, कल विद इन कल मॉर्निंग, उसका पहले भी हो सकता है बट विद इन कल मॉर्निंग आपका डिप्रेशन बनने का चांसेस है। अभी ये वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन बन जाएगा, तो इसलिए हमारा कोर्स ओनली रेनफॉल का ही जो हल्का से मध्यम बारिश और एक दो जगह में हैवी ये रहेगा, और स्क्वाली वेदर्स को अलाउ ऑफ उड़ीसा कोस्ट में जो है वही है जो पहले से हम लोग बताए उस तरह से ही है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। नहीं, लैंडफॉल तो आपका कोस्ट पे पास में आकर के फिर अभी अलोंग द कोस्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, लैंडफॉल करने से आपका अंदर आने से तब लैंडफॉल आपका बताता है, अंदर तो नहीं अभी फिर नॉर्थ तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वर्ड मूवमेंट बता रहा है ना, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है। और रिकॉर्ड से सबसे पहले हमारा ये जो है वीक हो जाएगा, सिस्टम वीक हो रहा है, इसमें ज़्यादा ये नहीं यार। ठीक है, हाँ टेम्परेचर का जो फोरकास्ट है अभी अगला 5 दिन का हमारा जो है अगला 2 दिन में आज और कल टेम्परेचर ज़्यादा चेंजेस नहीं है, 2 दिन का बाद फिर 2-4 डिग्री तक टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हाँ हाँ आज है आपका 13 तारीख कुछ राइज किया फिर 14 तारीख राइज करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।